हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, जो टीचिंग स्टाइल है, आप सभी लोगों को आज सुबह 19 मई 2020 दिन सोमवार की, दिन मंगलवार की लख लख शुभकामनाएं। आज का दिन आपका मंगलमय हो। आज हम लोग एक विशेष उद्देश्य को लेकर चलने वाले हैं। अभी तक हाई स्कूल की मैथमेटिक्स और हाई स्कूल के समकक्ष के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश जो ग्रामर क्लास 4 से स्टार्ट होती थी और धीरे धीरे बढ़ती चली जाती थी, उन दोनों को समावेशित करते हुए हम लोग शुरू कर रहे थे और वीडियो आपकी लगातार जो है हमारे यूट्यूब पर लोड भी हो रही थी। आप कंफर्म कर रहा हूँ, आज से एक नई टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड द बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक माने आधारभूत। आधार क्या है आप जानते हैं, किसी भी जब बिल्डिंग बनती तो न्यू उसका फाउंडेशन सबसे बड़ा आधार होता है। हम इसको फाउंडेशन इंग्लिश भी मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं। तो फाउंडेशन कोर्स हम शुरू करने वाले हैं। मैथ का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे क्या जो शुरू हुआ, मैथ कहाँ से जीरो आया, कैसे संख्याओं का गिनती हुआ, कहाँ पर कितना डाउट हम लोगों के बीच में था आपस में, उन सब डाउट्स को क्लियर करने का काम करेंगे। एक क्वेश्चन सबसे याद आता है, आपको पता है आर्यभट्ट ने जीरो की खोज 6वीं शताब्दी में की। तो बच्चे एक अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं सर कि जब 6वीं शताब्दी में जीरो की खोज हुई तो मुझे ये पता कैसे था कि रावण के 10 सिर थे और कौरवों के 100 पुत्र थे। मतलब जो हमारे कौरव थे वो 100 भाई थे, माने हमारे दशरथ जी के 100 पुत्र थे। तो ऐसा कैसे ज्ञात है, संख्याओं की गिनती कैसे करते थे? तो माय डियर स्टूडेंट, इसके लिए मैं फोकस करना चाहूँगा, आप अगर संस्कृत में आ जाते, आप एक एक को कहते थे प्रथम, एम आई राइट? दो को कहते थे द्वितीय, यहां कहीं शून्य नहीं है। तीन को कहते थे तृतीय, उसी प्रकार से 10 को कहा जाता था दशम और 100 को कहा जाता था सत, 100। माय डियर स्टूडेंट, अगर इसकी बात करें तो आप इसको नोटिस कर रहे हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय और दशम और सत, आप इनके बारे में बात करेंगे, सब में भी हलन लगता है। तो ऐसे इनमें शब्दों में कहीं पर संख्याओं का प्रयोग नहीं हुआ था। आइए अगर हम पहले चलते हैं, एक लंबा समय की बात करते हैं। एक समय मैं उस जगह पहुंच गया हूं जब मेरे पास कोई संख्या नहीं थी। तो मैं एक हाइपोथेसिस डेवलप करना चाहूंगा, मैं एक सिस्टम डेवलप करना चाहता हूँ कि संख्या को पहले करते कैसे थे, कैसे मिलते थे। माय डियर स्टूडेंट, वहां कोई संख्या नहीं थी, बल्कि संख्या थी की हमने इसकी, ये मेरा एक, मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया है, इस लाइन का या कोई भी चीज़, मतलब मैं इसको कहूँ कि मेरे पास कोई वस्तु है, मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि इसका नाम पहले नामकरण नहीं हुआ होगा, यह वस्तु मैं लिए हूँ, इसको क्या कहें। इसके बाद मेरे पास यही वस्तु अब दो बार ये आ गई, ऐसे ऐसे इतनी हो गई, इसको क्या कहेंगे। अब मेरे पास ये वस्तु हो गई, आप दिखाई पड़ रहा है, इसकी संख्या में आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इनको क्या कहें। तो माय डियर स्टूडेंट, शुरुआत में जो चीज़ हुई, यह शुरुआत इसकी यही हुई कि पहले हम एक या किसी वस्तु हमारे पास इतनी है तो इसको हम इतना कह देते थे। मतलब मैं इसको नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि हमारे ऐसे काउंटिंग थी नहीं पहले वाली, तो हम इन सब संख्याओं को लाइन खींच करके स्पष्ट किया करते थे। अगर आप थोड़ी देर के लिए रोमन गिनती में पहुँचते, माय डियर स्टूडेंट यू आर गोइंग टू द रोमन गिनती में पहुंचते, तो रोमन गिनती के बारे में बात करेंगे। रोमन में कोई भी संख्या नहीं, 1, 2, 3, 5 को कहते हैं, 10 है आपका, 50 है और 100, इसको कहते हैं इस समय 1, 2, 3, 5, 10, 50, 100। आप बताइए इसमें शून्य कहाँ आया? आप नीचे तो शून्य आ रहा है, यहाँ 2 शून्य, लेकिन क्या सी में शून्य आया, एल में शून्य आया, एक्स में शून्य आया? अब हमारा फोर्थ क्या हुआ, 5 से पहला था तो हमने क्या कर दिया, इससे घटाना। हमें पता था कोई भी संख्या लेफ्ट साइड में तो घटती है, राइट साइड में घटती है, तो हमने यहाँ पे घटाने का काम कर दिया, हमने इसको लिख दिया 4।
क्योंकि फिफ्थ था, फाइव में से एक चला गया, हमारा फोर्थ हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर रोमन गिनती पर आप दिमाग डालते हैं, रोमन गिनती पर बारीक से ध्यान डालते हैं, तो आप ये मान लेंगे कि इसमें शून्य का प्रयोग कहीं नहीं हुआ, हमने प्रतीकात्मक से बना करके हमने शून्य का दिया। इसके अलावा बहुत से प्रतीक होते थे जो मिले, ऐसा मिला, ऐसा मिला, मतलब कई प्रकार के प्रतीक मिले जो हमारे कहीं ना कहीं साइंस से मिलते थे। उन सभी प्रतीकात्मकों में हमने पाया कि इन्हें अलग अलग नंबर को माना गया। जब कोई संख्या हुई लगातार पहले लिखी जाती थी, पहले हाइपोथेसिस मेरे द्वारा डेवलप किया गया, आपकी सिंगल लाइन, हमने डबल लाइन, ये बहुत सारी थी, इनको हम ऐसे गिन लेते। हमने आपको इतने बार एक डिब्बे से गेहूँ दिया, आप मेरे पास आए और मैंने एक डिब्बे से, कोई नाप नहीं थी, किलोग्राम नहीं था, मीटर नहीं था, सेंटीमीटर मापक की कोई इकाई नहीं, हमने एक निश्चित मिट्टी के बर्तन से किसी भी वस्तु से हमने उसको सामग्री आपको दी, कितने बार की, इतने बार दी। अब आप हमें वापसी कैसे करेंगे, उसी मिट्टी के बर्तन को हमने आपने सुरक्षित रख लिया, उसी मिट्टी के बर्तन से हमने आपको दे दिया, हमने दे दिया, तुमने ऐसा काट दिया, दोबारा हमने फिर दे दिया, हमने फिर काट दिया, तिवारा दे, हम देते गए, हम उसको काटते गए, यहाँ पर कोई काउंटिंग नहीं थी, बल्कि क्या चलता था, लाइनों का खेल चलता था। शुरुआत में जो हाइपोथेसिस है, एक आइडिया लगाया जा सकता है, अज्यूमिंग की जा सकती, तो माय डियर स्टूडेंट देयर इज नो काउंटिंग, देयर इज ओनली द लाइन, केवल लाइन थी। अब लाइन को पृथक करने के लिए, लाइन को मैनेज करने के लिए एक ग्रुप बनना शुरू हुआ, जिससे हम अपने बुंदेलखंडी भाषा में कहेंगे, जिसे गड़ा कहते हैं, गड़ा मीन्स पाँच, प्रत्येक पाँच वस्तु को एक गड़ा कहा जाता है बुंदेलखंडी भाषा में, पांच वस्तु को, तो पांच वस्तु के लिए चार लाइन खींच करके उन्होंने, जो आपने देखा होगा टेलीचिन के रूप में, या इसमें अलग प्रकार का किसी भी प्रकार का लेना, ताकि आपका बनना शुरू हो गया, जो गड़ा कहा जाने लगा, गड़ा माने हमारे बुंदेलखंड भाषा में गड़ा कहा जाता, पांच संख्याओं के एक समूह को गड़ा कहा जाता, उसी प्रकार से इसकी शुरुआत हुई। मतलब तारीख ये कि सबसे पहले लाइनों का खेल चालू हुआ, जब आदमी में समझ आई, बुद्धि विवेक का जन्म हुआ, तो आदमियों ने क्या किया, आदमियों ने क्या कहा, संस्कृत में प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम दशम, इस तरह से एक कोई भी बिना अंक वाली, बिना शून्य वाली संख्याओं का जन्म हुआ। आगे क्या हुआ, एकादश द्वादश ये संख्या चलने लगी, और ये संख्या काफ़ी लंबी दूर तक जाने लगी, लेकिन इन संख्याओं में कोई भी शून्य नहीं था, ये बात जान लीजिए। तो हमने कहा था दशानंद, दशानंद दस, दस जिसके आनंद, आनंद माने सिर, जिसके दस सिर हों उसे दशानन कहा गया, इसलिए दशानन को अब दस के हिसाब से नहीं कहा गया, नोटिस कर लीजिए, उसको मैंने दस नहीं कहा था उसके सिर दस थे, बल्कि उसको क्या कहा, दशानन, दस उसके आनंद, दस प्लस आनंद, आनंद के लिए शीर्ष कहा गया, सिर्ष जिसके दस शीर्ष थे वहां पर उसे दशानन का परिभाषित किया गया, बताया गया। तो माय डियर एकादश, एकादश एकासत मतलब सत माने सौ, कौरवों के सतपुत्र थे, सतपुत्र माने सौ पुत्र थे। ऐसे स्थिति में पहले जमाने में शून्य ना होने की स्थिति में भी हम लोग जो काउंटिंग करते थे, या तो संस्कृत का उपयोग करके करते थे, या रोमन गिनती जो आपको दिखाई पड़ रही है, इस रोमन गिनती का प्रयोग रोमन वालों ने, रोमन गिनती का प्रयोग करें, रोमन का प्रयोग हमने नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस रोमन गिनती में कहीं भी आप देख लीजिए माय डियर्स, में कहीं भी आपका शून्य का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन हमने प्रतीकात्मक लेके चले, वन स्टैंड फॉर ऐसा जो लिखा, तो इसको एक कहते हैं, इसको दो कहते हैं, तीन कहते हैं, फाइव टेन फिफ्टीन और हंड्रेड, तो आपने नोटिस किया होगा, इसी प्रकार से हमने संख्या बनाना शुरू कर दिया, और एक से लेकर हमने अनंत तक संख्या लिखना शुरू कर दिया, हम लोग प्रतीकात्मक मानते हुए चलेंगे। तो हमारा आपकी आप ये नोटिस समझ गए होंगे कि दशानन के दस सिर को कैसे गिन के रखा, और कौरवों के सौ पुत्र थे उनको कैसे गिन रखा, इन सबके लिए यहाँ पे संस्कृत भाषा में तो ये बनाई गई, क्या हमने शब्दों को ही कनम संख्या मान लिया, संख्या उस समय शब्दों में थी। हमारे संस्कृत भाषा जिसे देवनागरी लिपि कहा जाता, देवताओं के द्वारा प्रयोग की जाने वाली लिपि कहा गया, उस लिपि को हमने जो बात कही उसमें कहीं भी शून्यात्मक संख्या नहीं थी, बल्कि संख्याओं को हम लोग शब्दों में लिखा करते थे, संख्या जो थी वो शब्दों में मान के चला करते थे। लेकिन अगर हम इसकी तुलना करते दूसरे तरफ, जो तो हमारा संस्कृत, दूसरी तरफ अगर रोमन गिनती की बात करते तो रोमन की गिनती में भी कोई भी संख्या नहीं थी, बल्कि क्या था, हमारा जो प्रतीकात्मक था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को प्रतीकात्मक माना, वी को माना फिफ्थ, एक्स को माना 10, एल को माना 50 और सी को माना 100, इस तरह से हमारी संख्याओं का जन्म हो गया, और संख्या एक के बाद एक बढ़ती रही, आज भी आप जानते हैं।
तो वो जो कॉन्सेप्ट क्लियर था वह क्लियर हो गया, जो कॉन्सेप्ट डाउटफुल था कि आखिर दशानन की क्या स्थिति होगी, उस 100 कौरवों के भाइयों की क्या होगी, या धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का क्या होगा, तो वो हमारे इस सिस्टम से क्लियर आ गया। तो आप इतना समझ चुके होंगे, इसको आप जान गए होंगे और विचार आपने कर लिया होगा कि किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और कहाँ से इसका जन्म हुआ। नोटिस कीजिएगा कि जब आर्यभट्ट का 6वीं शताब्दी में जब आर्यभट्ट आ गए और उन्होंने सुन दिया तो संख्याओं का गिनने का नया ढंग आया। सबसे छोटी संख्या थी उसको हमने सुन के साथ गिना, और बड़ी से बड़ी संख्या भी थी उन्हें भी हमने सुन के साथ गिना। इस तरह गिनती आ गई। गिनती शुरू कहाँ से हुई उस समय? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खराब, 10 खराब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संघ, 10 संघ और महासंघ। संख्या 20 अंकों तक जाने लगी। वर्तमान युग में संख्या समाप्त हो गई, और अगर हमें कोई भी संख्या है उसकी अधिकतम सीमा हो गई केवल करोड़। करोड़ से आगे संख्या किसी भी स्थिति में नहीं जाएगी। अगर हमने 15,000 करोड़ दिया तो करोड़ के स्थान पर 15,000 लिख दिया जाएगा, और 5 लाख करोड़ दिया तो 5 लाख संख्या को करोड़ के स्थान पर 5 लाख करोड़, करोड़ पर लिखी जाने वाली संख्या कितनी? 5 लाख। इस तरह संख्या केवल जाके करोड़ पर सीमित हो गई। ये आपको ज्ञात है, अच्छी तरह ज्ञात है। तो हम कह सकते हैं, दुनिया कहती क्या नहीं आर्यभट्ट ने नहीं दिया, बहुत से लोग किसी जर्मनी को भी मानते हैं कि नहीं सबसे पहले उन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, जबकि ऐसा नहीं है। शून्य का आविष्कार करने का खोज हमारे देश के जो गणतज्ञ हैं आर्यभट्ट को किया था। तो मैंने बताया कि कोई भी संख्या थी जो आपके एक लंबे समय से चली आ रही थी और जाकर के संघ इकाई से शुरू हुई और महासंघ पर जाकर के समाप्त हुई। इकाई से लेकर के और महासंघ तक के पूरे संख्या की पद्धति को सबसे पहले आपका अंकन करने का या समझने का काम जब से शुरू हुआ जब तक आपका आर्यभट्ट जी ने 0 नहीं दिया, इस तरह संख्या शुरुआत हो गई। तो संख्या शुरुआत होने जाने लगी और हम संख्याओं को लिखने लगे। हमें लिखने पर यह ज्ञात हुआ कि अगर किसी भी अंक के दाहिने साइड अगर शून्य लगाते हैं तो उसका अपना महत्व होता है, अगर किसी भी शून्य के बाएं साइड शून्य लगाते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता, संख्या स्वतः ही वही हो जाती है। जैसे जान लीजिए 125 125 है, अब 125 के आगे अगर हम पीछे शून्य लगा देते हैं तो 1250 हो जाता है। लेकिन आपके किसी भी संख्या के आगे अगर शून्य लगाते हैं तो ऐसे अंक में वह संख्या स्वतः अपनी वही संख्या ही मूल रूप में रहती है, ना कि संख्या का परिवर्तन नहीं होता। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, अगर हम इसमें दशमलव प्रणाली का उपयोग करके कितने भी शून्य लगा दें राइट हैंड साइड में, तब भी संख्या का मान वही का वही रहता। मैंने दशमलव के बाद अगर आपको लगता है कि हम राइट साइड में लिखना चाहते शून्य और शून्य का हमारा मात ना लाए, तो मेरे बच्चों अगर हम दशमलव लगा करके शून्य का प्रयोग करते हैं तो ऐसी स्थिति में इसके शून्य का महत्व नहीं होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अगर कोई अंक दे रखा, अंक के आगे कितने भी आप शून्य लगा दें तो शून्य लगाने के बाद वह संख्या यथावत वही रहती है, उसी प्रकार से दशमलव लगाने के बाद अगर पीछे कितने भी शून्य लगा दें वह संख्या हमारी वही रहती है, कोई तब्दील नहीं होती, कोई अंतर नहीं होता। संख्याओं के खेल में आगे अगर देखा जाए तो संख्याओं के खेल में कुछ आगे की ओर और बढ़ते हैं तो हमें नए नए आयाम और नई नई सिद्धियां प्राप्त होती हैं। किसी संख्या में अगर संख्या ए है, ए संख्या में 0 जोड़ दिया जाए तब भी मान ए रहता है, ए संख्या से 0 घटा दिया जाए तो मान भी क्या रहता है? ए। लेकिन इसी संख्या में ए में अगर 1 का जोड़ कर दिया जाए तो मान परिवर्तित हो जाता है, 1+1 हो जाता है। उसी प्रकार से ए संख्या में से एक घटा दिया जाए तो मान ए, एक क्या है? एक सबसे छोटी संख्या, इसे हमने प्राकृतिक संख्या का अंग माना। अभी मैं संख्याओं का वर्गीकरण बताऊंगा कि हमारे पास सपोज दर संख्या माने बॉले हैं, बॉलों को हम वर्गीकरण करेंगे, हम कहेंगे कौन सी लाल बॉल है, कौन सी पीली बॉल है, कौन सी छोटी बॉल है, कौन सी बड़ी बॉल है, कौन सी बॉल का नाम बहुत सुंदर है चमक रही, कौन सी बॉल चमक नहीं, मतलब मैं कई प्रकार से उसका वर्गीकरण करने का काम करूंगा। अभी हम बात करेंगे, इसके पहले आप लोग सब समझने का प्रयास करें संख्याओं का। लेकिन अगर यही भाग और गुणा की बात करते हैं, अगर हम ए संख्या में 0 का भाग देते हैं तो मान आपका 0 हो जाता है, और आपका किसी भी संख्या में गुणा करते हैं, एक का गुणा 0 में करते हैं, 0 में मतलब के हम किसी भी संख्या अनंत तक जाता है, इसे अनंत की परिभाषा से सम्मिलित करते हैं। कैसे करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। एक का गुणा अगर 0 से करते हैं तो मान हमारा 0 हो जाता है, माइडियर स्टूडेंट। लेकिन किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग करते तो मान हमारा अपरिवर्तित रहता है, 1 से गुणा करते हैं तब भी मान हमारा अपरिवर्तित रहता है, मतलब
क्या सीध है, ये बात जान लीजिए। जब भी चर अचर दो राशियाँ होती, चर राशियाँ भी कहलाती हैं जिनमें अननोन नंबर होता, अचर राशियाँ भी कहलाती जो संख्याएं होती। तो संख्याओं को जब भी आप माने वो ए बी सी से माने, और आपकी चर राशियों को जब भी माने वो एक्स बाई जेड से माने। ये बात का भी सीधा तो आप क्या अनुपात आता है कि किसी भी संख्या के जीरो के जोड़ने से मान अपरिवर्तित रहता है। यहां पे आप देख रहे हैं जीरो का गुणा और भाग करने से मान परिवर्तित हो जाता है। क्या समझ में आया, किसी भी संख्या में जीरो का जोड़ घटाव करें तो मान अपरिवर्तित रहता है, वही मान रहता है। लेकिन अगर किसी भी संख्या में जीरो का भाग गुणा करते हैं तो मान परिवर्तन हो जाता। उसी प्रकार से दो का परिवर्तन यहां पर क्या होगा, अपरिवर्तित। यह आ गया परिवर्तन। यहां पे होता है अगर मान लो यहां पे जस्ट अपोजिट है, यहां परिवर्तित है, यहां पे क्या है अपरिवर्तित। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पे आपको वैल्यू मिला अपरिवर्तित अनचेंजेबल, यहां चेंजेबल, तो यहां पे मिला चेंजेबल और यहां मिला अनचेंजेबल। आपका जो जोड़ा है प्रत्येक संख्या में आप होता चार चिन्ह होते हैं, इन चिन्हों में भी एक संबंध है। ये धन का चिन्ह है, धन के चिन्ह को अगर थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाए तो यहाँ से गुणा की उत्पत्ति होती है। यह माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह को खड़ा नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने क्या कर दिया, दो बिंदी लगा दी। इन दोनों संबंध में होते हैं, इन मतलब ऐसा कहते हैं धन से गुणा की उत्पत्ति हुई और गुणा से फिर उत्पत्ति हुई क्या, घात। उसी प्रकार से भाग की उत्पत्ति आपके माइनस से हुई। कैसे हुई अभी हम बताएंगे, अभी हम आपको समझाएंगे। उसके पहले आप नोटिस कर लीजिएगा कि अपरिवर्तित चेंजेबल अनचेंजेबल की बात करते हैं, किसी भी संख्या में जीरो का जोड़ और घटाने पड़ने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तन होता अनचेंजेबल होता है। माय डियर स्टूडेंट, किसी भी संख्या में जीरो का भाग देते तो आप इसको कहते हैं अनंत, आड़े आठ बदल जाता है अनंत। अनंत कैसे आता है आपको पता है, जब किसी भी संख्या का भाग किसी भी संख्या में दिया जाता है तो इन दोनों का गुणा यहाँ के बराबर होता है, आपको पता है। आप जीरो का भाग देना चाहते हैं, सपोज दैट जीरो का भाग देना चाहते हैं नौ में, आप चूंकि आप जीरो का भाग तो दे नहीं सकते, लेकिन आपको पता है इन दोनों का गुणा इसके मान के बराबर होता है। यहाँ मान लो मैं सेवन लिखता हूँ, सेवन का जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर स्टूडेंट क्या आएगा, जीरो, मान बचेगा नौ। फिर हम ले लेंगे एट, एट का मल्टीप्लीकेशन जीरो से करेंगे जीरो, बचेगा कितना नौ। माने अगर हम कोई भी संख्या लिखते जाएंगे अनंत तक, लेकिन वो मान क्या बचेगा जीरो, उसका गुणा करेंगे तो मान क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, अंत में बचेगा हमारा कितना नाइन बचेगा। नोटिस कर लीजिए, बार बार मैं वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर हम किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का गुणा करते चले जाते हैं, मान हमारा अपरिवर्तित होता है, मान हमारा परिवर्तनशील नहीं होता है, वह मान यथावत रहता है। तो यहाँ पर संख्या लिखी जाने वाली अनंत जाति, इसी अनंत को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर आड़े आड़े एट, लेकिन वो कैसा जस्ट अपोजिट तिरछे आठ के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, जो आपको दिखाई देगा। तो मैंने आपको बताया कि आपके दो संख्या परिवर्तित होती हैं, दो चिन्ह परिवर्तित नहीं होते, जोड़ने और घटाने पर कोई भी मान परिवर्तित नहीं होता है, गुणा भाग करने पर मान परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से किसी संख्या के आपके हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो वो कैसे होते हैं आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम जोड़ते घटाते हैं जीरो को तो परिवर्तन नहीं होता है, अपरिवर्तित। अगर हम एक संख्या को जोड़ते घटाते हैं तो परिवर्तन हो जाता है। किसी भी संख्या में हम लोग भाग करते हैं किसका जीरो का तो कैसा होता है, परिवर्तन होता है। अगर हम गुणा भाग करते हैं तो ऐसे एक संख्या का अपरिवर्तन होता है। तो दो का जोड़ा परिवर्तित अपरिवर्त, दो का जोड़ा अपरिवर्त अपरिवर्त, जस्ट अपोजिट रहता है, इनका एक सिस्टम रहता है। तो इस बात को आप दिमाग में रख लीजिए, समझ लीजिए, विचार कर लीजिए, मनन चिंतन कर लीजिए, ताकि आपको बहुत बेहतर ढंग से आ सके। जब हमें संख्याएं मिल गई, हमारे पास जीरो आ गया, जीरो आने से हमारी संख्या आ गई। संख्या मैंने बताया कि सबसे पहले इकाई अंक से शुरू हुई और जाके महासंघ पर समाप्त हुई, लेकिन समय के साथ तब्दील कर दी गई और आपकी संख्या केवल सीमित हो गई करोड़ तक, करोड़ तक सीमित हो गई। करोड़ में एक बात रखी कि अगर हमें 1000 करोड़ कहना तो करोड़ में अगर आगे संख्या बढ़ानी तो उसके करोड़ के स्थान पर ही 1000 करोड़ को कॉमा के रूप में लिखा जाने लगा, इसलिए संख्याओं का लिखना बहुत सरल हो गया। लेकिन अगर हम संख्याओं का वर्गीकरण की बात है, क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर, माने संख्याओं को वर्गीकरण के रूप में करते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट कुछ निम्न रूप है। सबसे पहले मैं क्रम से बताते जाऊंगा, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक क्या हो। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या में किसी भी संख्या की शुरुआत एक से की, वन टू थ्री। प्रकृति पर, प्रकृति में मौजूद किसी भी वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये नोटिस कर ली,
प्रकृति में मौजूद, जैसे मैंने कहा ये पेड़ है एक, दूसरा पेड़ है दो, अगर वो पेड़ नहीं था, अगर पेड़ था ही नहीं प्रकृति में, तो वहाँ पे शून्य की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो पेड़ था ही नहीं, इसलिए उसकी शुरुआत तब आई काउंटिंग की जब वह वस्तु थी, तो इसकी शुरुआत एक से। कुछ लोग बात तो इसका जीरो से भी प्रयोग होता है, लेकिन जीरो एक पूर्ण, जीरो का मतलब पूर्ण संख्या होती, वो होल नंबर होता वो अलग है, मैं जीरो को नहीं बताऊँगा। तो आप एक बार नोटिस कर लीजिए, प्राकृतिक संख्या में केवल जब भी वस्तु की गिनती होती जब शुरुआत उसकी एक से होती, अंत उस वस्तु की गिनती नहीं होती। हाँ वो बात अलग है, पहले कभी एक था लेकिन आज उसे हटा दिया गया तो आज वो शून्य प्राय हो गई, इसलिए कुछ लोग मानते हैं प्राकृतिक संख्या को शून्य, क्योंकि आज वो पेड़ एक था। डायनासोर पहले थे, गिनती थी 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 20, 500 ऐसे थे, लेकिन उन सबको हटा करके आज डायनासोर कुछ नहीं है, तो आप कहेंगे डायनासोर कितने, तो शून्य, क्योंकि वो प्रकृति का एक अंश था, इसलिए प्राकृतिक संख्या को शून्य प्राय भी कहा गया। कुछ लोगों का मानना है, जानना आयु खत्म। तो प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है? प्रकृति में मौजूद समस्त वस्तुएं जो चल हैं अचल हैं, उन सभी वस्तुओं की गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसकी काउंटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर के अनंत तक जाती है। पहले शून्य नहीं था माय डियर स्टूडेंट, तो प्राकृतिक संख्या थी, आपका शून्य मिला, मिलने के कारण फिर आपकी संख्या बनना प्रारंभ हो गया, इसको हमने होल नंबर कहा। अधूरा था, अगर आप खाना खाने बैठे थे, बैठने के बाद आपकी थाली में सब कुछ था, दाल चावल सब्जी रोटी चटनी अचार पापड़ सब कुछ था, लेकिन एक वस्तु की कमी थी जो बहुत बड़ा, स्वाद के लिए नमक नहीं था। तो जो ही नमक का प्रयोग किया गया, नमक उस थाली में रखा गया, हमारी थाली पूर्ण हो गई। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की, तो पूर्ण संख्या कब होगी? संख्या पूर्ण तब हुई जब हमारे आर भट्ट जी के द्वारा संख्या जीरो दे दी गई। अब हमारी संख्या थी छोटी से छोटी संख्या भी बढ़ने लगी और बड़ी से बड़ी संख्याओं को बनाने लगे। हम 105 भी बनाने लगे, हम 15 भी बनाने लगे, 150 भी बनाने लगे, 2005 भी बनाने लगे, 2,00,000 छोड़ दिया, 310 भी संख्या बनाने लगे। तात्पर्य है कि जब हमें शून्य प्राप्त हो गया, तो शून्य प्राप्त होने से सबसे छोटी संख्या से लेकर के शून्य वाली संख्याओं से लेकर के बड़ी से बड़ी संख्याओं का हम प्रयोग करने लगे। इस संख्या को मैंने क्या कर दिया? पूर्ण। अगर हम दूसरे हिसाब से इसको समझना चाहें तो माय डियर स्टूडेंट क्या था? एक थाली में सब कुछ था, दाल चावल सब्जी रोटी अचार पापड़ सलाद सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी, वह था क्या? नमक। तो नमक के रखने के साथ हमारी थाली पूर्ण हो गई, लगा कि हाँ आप सब कुछ पूर्ण हो गया। आपकी माताएं बहनें भाभियाँ चाची हैं वो सब रहती हैं, वो सब घर में बुआ हैं मौसी, काफ़ी रिलेशन होते हैं जो लेडीज रिलेशन होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट आपको पता है कि वो सब जब थाली पसती हैं तो थाली में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो नमक। उन्होंने कहा भाई क्या चीज़ नहीं है? तो नहीं नमक नहीं, नमक रखो। मेन जो फोकस होता है वो नमक के लिए था, क्योंकि नमक प्लस माइनस चलता है हर व्यक्ति के लिए। तो नमक आने से थाली पूर्ण हो गई, उसी प्रकार से जीरो आने से संख्या जो हमारी चल रही थी प्राकृतिक संख्या थी, अब वो प्राकृतिक संख्या में जीरो लगने से संख्या पूर्ण हो लगी, क्योंकि सबसे छोटी संख्या भी उसी से बनने लगी और सबसे बड़ी संख्या भी क्या हो गई? उसी से बनने लगी। तो आप पूर्ण संख्या को समझ रहे, जिसे हमने कहा गया होल नंबर्स के रूप में कहते, अतः संख्या हमारी पूर्ण हो गई। अब आया पूर्णांक, पूर्ण अंक, जिसका अंक पूर्ण हो जाए अधूरा। मैंने कहा 2.5 विद्यार्थी चले आ रहे, क्या ऐसा संभव है? आप कहेंगे सर नहीं हो सकता। मैं कह दूं कि मेरे पास 2 मार्कर ठीक है, लेकिन एक मार्कर और है जिसको मैं आगे पीछे का हिस्सा निकाल दूं, कुछ हिस्सा मैं दिखा दूं, तो माय डियर स्टूडेंट 2.5 मार्कर या 2.5 मार्कर ऐसा हो नहीं सकता। तो इसको कहा गया पूर्ण संख्या। कहा गया पूर्ण संख्या माने वह संख्या जिसके आ जाने से संख्या पूर्ण हो गई, तो वो पूर्णांक संख्या कहलाई। पूर्णांक माने अंग, तो दैट इज कॉल्ड द इंटीजर। अंग तो है लेकिन अंक क्या हो जाए? पूर्णांक हो जाए, वह संख्या अपने आप में पूरी, 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारा पूर्णांक है, और अगर उसमें दशमलव लग दिया जाए तो अपूर्ण संख्या कहलाती है। ऐसे स्टूडेंट माय डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि मेरे पास 10 रुपये थे, आवश्यकता पड़ने पर मैंने क्या किया, एक विद्यार्थी से 5 रुपये ले लिए, मेरे पास 15 रुपये हो गए। अब मेरे पास 15 रुपये हो गए या मेरे पास 10 रुपये थे, एक विद्यार्थी आया भाई मुझे 5 रुपये का हमें कुछ वस्तु की आवश्यकता, मुझे इरेजर चाहिए, मुझे पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, साबुन चाहिए, सॉफ्टनर चाहिए, तो क्या चाहिए? तो आपने देखा यहाँ पे उस संख्या के घटाना और जोड़ना, नोटिस करिए, संख्या के प्लस और माइनस दोनों ही आवश्यकता पड़ी। देना मीन्स प्लस और लेना मीन्स माइनस, या फिर मैं किसी भी वस्तु का हमारा स्टॉक रखा है और अगर मैं उससे कोई संख्या को निकाल देता हूँ तो माइनस हो जाती है। जमा करना और प्राप्त करना, लेना देना, यह संख्या जब चालू हुई तो यहाँ उत्पत्ति हुई प्लस और माइनस की। किसकी उत्पत्ति हुई? प्लस माइनस की।
तो इन सब संख्याओं को हमने पूर्णांक कहा, दैट इज कॉल्ड द इंटीजर। और ऐसे इंटीजर जो धनात्मक रखे गए, फाइव, चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्येक संख्या अपने आप में धनात्मक संख्या होती है। मैंने यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, आपको समझ बताने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए जानबूझ के प्लस का चिन्ह लगाया है, नहीं तो कोई भी संख्या वो प्लस ही होती। हमने कहा मेरे पास पेन है, मेरे पास क्या है, पेन है। पेन कितने हैं मेरे पास, मेरे पास एक पेन है, क्योंकि मैंने कोई संख्या नहीं दी। जहां मैंने बोला मेरे पास पेन है, तो आइडेंटिफिकेशन जरूरत नहीं है कि कितने पेन होंगे, मेरे पास सिर्फ एक पेन ही होगा, यह अपने आप में स्वतः ही स्पष्ट रहता है। इसलिए कोई भी संख्या है वह आपकी प्लस कहलाती। माय स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, अगर हम जीरो की बात करते हैं तो जीरो आपका प्लस माइनस होता, तो हमेशा जब भी चिन्ह लगाया जाता है तो प्लस और माइनस इस तरह लगा। अगर हम संख्या रेखा की बात करते हैं, आपने बचपन में, आप निम्न कक्षा में यानी सेवेंथ में, सिक्स में आपने संख्या रेखा पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि हमारी संख्याओं के जस्ट बीचों बीच में एक रखा जाता है जिसे हम शून्य कहते हैं। शून्य के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे करता है कि शून्य का चिन्ह कौन सा, प्लस का है माइनस का, तो आप कहिए शून्य का नाम प्लस भी है और माइनस में, वो पर्टिकुलर एक नहीं, क्योंकि आपको ज्ञात है यहां से लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे तो संख्याएं आपकी वन टू आती माइनस वन, क्योंकि जीरो पर आपकी टू। यहां पर बढ़ेंगे वन टू थ्री फोर फाइव। मैं पहले बता चुका हूँ, नोटिस कर लीजिए, पहले बता चुका हूँ कि कोई भी संख्या जो होती है वो लिखी हुई संख्या अपने आप में धनात्मक हुई। मैंने इसको आपको समझ के लिए बताया, यहाँ पे मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, मैंने समझ के लिए बताया ताकि आप समझ सकें ये धनात्मक है और जी वाली ऋणात्मक है। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान रखिए स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं कि जो जीरो होता है वो प्लस माइनस दोनों होता, तो जैसे हम लेफ्ट साइड में जाएंगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। मैंने एक चीज समझा कि फोर को चेक करेंगे और टू को, तो मैं देखेंगे टू बड़ा है कि फोर बड़ा है, फोर बड़ा। इसका मतलब ये रूल हो गया कि दाहिने वाली संख्या बाएं वाली संख्या से सदैव बड़ी होती है। ये नोटिस आ गया, फोर इज बिगेस्ट देन द टू, तो बाएं बड़ी। एक रूल हमारा तैयार हो गया, हमेशा राइट हैंड साइड नंबर इज ग्रेटर ग्रेटर देन द लेफ्ट हैंड साइड नंबर। तो मैंने स्पष्ट कर लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड नंबर से दाहिने साइड वाली संख्या नंबर होता वो हमेशा बड़ा होता। इसका तात्पर्य क्या है, अगर हम माइनस के बारे में देखें, माइनस वन और जीरो, नोटिस करिए माइनस वन और जीरो, तो हमारी दाहिने वाली बड़ी होगी, तो जीरो इज बिगेस्ट देन द माइनस वन, जीरो बिगेस्ट है माइनस वन से। माइनस टू माइनस वन के बारे में कल्पना करेंगे तो माइनस टू इज बिगेस्ट देन। अगर यह संख्या हमारे अनंत तक पहुंचती है जिसे हम माइनस एन को स्पष्ट करते हैं, और यहां भी संख्या कहां पहुंचती है, अनंत तक पहुंचती है जिसे हम प्लस एन के रूप में स्पष्ट करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि अनंत संख्या से सबसे बड़ी संख्या आपकी जीरो होती है। नोटिस कर लीजिएगा जीवन भर के लिए, हमेशा नियम आ गया, राइट हैंड साइड की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई संख्या रेखा पर हमेशा बड़ी होती है। लेफ्ट साइड में आने वाली अनंत तक जाने वाली संख्या माइनस एन हमेशा बड़ी होती है, उससे सभी संख्याओं से जीरो बड़ा होता। इसका रूल होता है क्या, हमेशा संख्या जो ही बढ़ती है संख्या अपने आप में बढ़ती चली जाती है। धनात्मक की ओर एक रूल बन के तैयार हुआ, धनात्मक में जो जो संख्या बढ़ती है त्यों त्यों संख्या बड़ी हो जाती है। और अगर आप देखे जाए कि ऋणात्मक क्या नहीं आए, ऋणात्मक जो जो संख्या घटती है, जो जो संख्या घटती है संख्या अपने आप में बड़ी होती चली जाती है, क्योंकि हमारा संख्या रेखा यही कह रही है, जो आपको सामने दिखाई पड़ रही जी आपकी संख्या रे नंबर ऑफ लाइन, तो इसमें नंबर ऑफ लाइन क्या है, ये यही कहती है कि ऑलवेज जीरो इज ग्रेटर देन ऑल द नेगेटिव नंबर एंड जीरो इज स्मॉलिंग एट द ऑल ऑफ द पॉजिटिव नंबर। जीरो ऋणात्मक की सभी संख्याओं में सबसे बड़ा नंबर होता है और धनात्मक की समस्त संख्याओं का सबसे छोटा नंबर होता है, क्योंकि जीरो संख्या रेखा के बिल्कुल मिडिल में होता है। तो इन सब को धनात्मक इंटीजर माने पॉजिटिव इंटीजर, इन सब संख्याओं को नेगेटिव इंटीजर का सॉरी इनको नेगेटिव इंटीजर, इनको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के रूप में कहते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के रूप में कहते हैं। निश्चित है इस चीज़ को आपको तीनों समझ में आया होगा, प्राकृतिक नेचुरल नंबर, दिस नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड गोइंग टू द एन, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड द होल नंबर। होल नंबर वेन एवर वी आर सबमिटिंग जीरो एस द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्लस जीरो, दैट इज कॉल्ड द होल नंबर, देयर इज नथिंग्स टू बी रेस्ट अबाउट इट।
एंड नेक्स्ट वन इज द टॉपिक इज कॉल्ड द इंटीजर. देयर इज द टू टाइप ऑफ इंटीजर. फर्स्ट इज कॉल्ड द पॉजिटिव इंटीजर. सेकंड वन इज कॉल्ड द नेगेटिव इंटीजर. एंड फर्स्ट इंटीजर द नंबर्स व्हिच इज द साइन एज द पॉजिटिव इज कॉल्ड द पॉजिटिव नंबर एंड द साइन इज द नेगेटिव कॉल्ड द नेगेटिव. व्हेनेवर कमिंग समबडी सम नंबर्स आर कमिंग टू मी देन इट इज इंक्रीजिंग. दीज आर कॉल्ड द पॉजिटिव इंटीजर. एंड सम नंबर्स आर डिडक्ट फ्रॉम माई सेल्फ देन इट इज कॉल्ड द नेगेटिव नंबर. बोथ आर टू बी कॉल्ड बी एंड द नंबर ऑफ द लाइन्स. ओके थैंक्स. You note it down, everything, please. My dear student, next I am going to divide these numbers into even number, odd number, composite number and prime numbers. How can I would be divided it? Please pay attention towards the board now. देखिए सम संख्याएं जो प्राकृतिक संख्या थी एक से लेकर के अनंत तक जाने वाली. The numbers was starting from one and going to the end, that the last. If these are numbers divided into two types, that is called the even number and the odd number. इन्हें सम और विषम संख्या में हमने डिवाइड किया. कैसे किया आइए हम बताएं. ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, नोटिस कर लीजिए, जो संख्या दो से विभाजित हो जाती हैं वो हमारी संख्या क्या कहलाती है, उसको आप नोटिस कर लीजिए. कोई भी संख्या जो है वह जो दो से विभाजित हो जाती है उन संख्याओं को हम लोग, ऐसी संख्या जो हमारी दो से विभाजित हो जाती है उन संख्याओं को हम लोग इवन नंबर कहते हैं. ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं वह सभी संख्याएं इवन नंबर्स कही जाती हैं. सभी संख्या दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह वह संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं वह संख्या हमारी ओड नंबर कही जाती है. दैट इज कॉल्ड द इवन नंबर. वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन एंड सेवेंटीन. मीन्स देयर इज द टू टाइप ऑफ नंबर दैट इज कॉल्ड द इवन एंड ओड नंबर. सम विषम संख्या. सम माने समान. दूसरे परिभाषा में आएगा समान. जिन संख्याओं का जोड़ा बन सके, यहाँ पे चार है दो दो का जोड़ा बना दिया, छः है एक दो तीन जोड़ा बन जाएगा, आठ है एक दो तीन चार जोड़ा बन जाएगा, दस है एक दो तीन चार जोड़ा बन जाएगा, बारह है एक दो तीन चार पाँच छः. जिन संख्याओं में जोड़ा बन जाता है, तीन प्रकार से परिभाषा नोटिस कर लीजिए. संख्या नंबर एक जो है संख्याएं जो दो से विभाजित होती हैं सम संख्या या इवन नंबर कहलाती हैं. वह संख्या जो दो से विभाजित नहीं होती है वह हमारी विषम संख्या कहलाती हैं. दूसरा जिन संख्याओं का जोड़ा बन जाता है, जिन संख्याओं का जोड़ा बन जाता है वह संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं. जिस संख्या का कपिल एंड पेयर इज नॉट फॉर्मिंग द पेयर, द नंबर इज नॉट फॉर्मिंग द पेयर और द कपिल, दोज आर कॉल्ड द ओड नंबर. जिन संख्या पहला जिस संख्या में दो का भाग चला जाए, पहली कंडीशन दो का भाग चला जाए, पहली कंडीशन से आप समझिए. दूसरा जोड़ा दैट इज कॉल्ड द कपिल और द पेयर जोड़ा बन जाए. बनना सम संख्या, नहीं बनना विषम संख्या. भाग चला जाना सम संख्या, भाग ना जाना विषम संख्या. तीसरा होता है आपका दो चार इकाई अंक. जिन संख्या में दो चार छ आठ और शून्य और इसके विषम संख्या है, जिसके अंक पे एक तीन पाँच सात नौ वह विषम संख्या. आप किसी भी संख्या में लिख लीजिए, किसी भी संख्या में जब जिस संख्या पीछे इकाई अंक पर अंत मिलती है तो ये संख्या विषम संख्या है, और अगर दो चार छः आठ मिलता है तो सम संख्या. तीन प्रकार से इनकी परिभाषाओं को हम समझ सकते हैं. जोड़ा नंबर एक परिभाषा है, दो का भाग चला जाना और ना जाना पहली परिभाषा सम विषम की. दूसरा जोड़ा बन जाना समय, नहीं बनना विषम है. और तीसरी परिभाषा क्या है कि जिन संख्याओं की इकाई अंक पर जब जिसमें शून्य दो चार छः आठ होता है वह सम संख्या है, जिस संख्या की इकाई अंक पर एक दो तीन चार पाँच सात नौ होता है वह आपकी विषम संख्या है. इस प्रकार से तीन शब्दों को लेकर के हमने परिभाषाओं को स्पष्ट करने का काम किया. सम और विषम का दीज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड द इवन नंबर्स एंड ओड नंबर. एंड नेक्स्ट बन कंपोजाइट नंबर्स एंड प्राइम नंबर यानी भाज संख्या. भाज संख्या भाज्य भाग, भाग से भाग. हर एक संख्या में एक और स्वयं वह संख्या जो भी वो नंबर है इन दोनों से विभाजित होती है कोई भी संख्या. अगर कोई भी संख्या आप ले लीजिए, चूंकि यह परिभाषा आप समझ चुके हैं मुझे नहीं लग रहा इसकी आवश्यकता है, इसको हम हटाई दे रहे हैं. किसी भी संख्या में एक और स्वयं वह संख्या से हर संख्या विभाजित होती है. एक और स्वयं वह संख्या के अतिरिक्त
अन्य संख्या का भाग चला जाए या भाग चला जाए या जो जिसका भाग जाता हुआ उसका एक गुणनखंड भी होती है उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं भाग संख्या। भाग संख्या होती है आपकी सबसे पहले पहली संख्या 4, 6, 9, 10 नब्बे एक ना तो भाज्य है ना भाज्य। सबसे छोटी भाज्य होती है 2 भाग नहीं जा रहा एक का भाग जाएगा दो का भाग जाएगा 3 में एक का भाग जाएगा 3 का जाएगा अन्य संख्या का नहीं 4 में 2 का जाएगा 5 में भाग नहीं जाएगा 6 में 2 का जाएगा 3 का जाएगा 7 में भाग नहीं जाएगा 8 सॉरी यहाँ पे हम 8 भूल गए आई लेफ्ट इट दैट इज कॉल्ड 8 8 में भाग 2 का जाएगा 4 का जाएगा इसलिए भाग जाएगा 9 में आपका भाग 3 का जाएगा और 10 में भाग आपका 2 और 5 पे जाएगा यहाँ जाएगी 11। अगर हम उन्हीं संख्याओं को व्युत्पन्न करते हैं हमारी स्टार्टिंग पॉइंट 1 एक को मैंने माना एक को मैंने प्राकृतिक संख्या में एक को माना ना तो यह सम है ना ही भाज्य ना ही भाज्य। नोटिस कर लीजिए वन नंबर इज नॉट कॉल्ड द कंपोजिट नंबर एंड द प्राइम नंबर दिस इज ओनली इन द मिडिल फर्स्ट नोटिस करिए जी पहली बात प्रथम संभाज्य प्रथम संभाज्य संख्या होगी आपकी कौन सी होगी 4 प्रथम विसंभाज्य ये संख्या होती है आपके लिए देखिए 4 सम है 6 सम है 8 सम है लेकिन 9 कैसी है विषम सम तो पहली विषम संख्या जो भाज्य होगी वह संख्या आपकी कितनी होगी 9 और प्रथम सम संख्या जो भाज्य होगी वो होगी 4 प्रथम आपकी आपकी कौन सी होगी अगर हम कहें अभाज्य संख्या होगी वह होगी आपकी 2 प्रथम सम भाज्य संख्या सम अभाज्य संख्या प्रथम सम अभाज्य संख्या होगी आपकी 2 प्रथम विषम अभाज्य संख्या होगी वो होगी आपकी 3 तो जे आपको ज्ञान होना चाहिए कि प्रथम सम अभाज्य संख्या होगी विषम अभाज्य तो वह संख्या जिसमें एक और स्वयं वह छोड़कर के अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता वो क्या रहती अभाज्य आ माने नहीं भाज्य माने भाग जाए जिस संख्या में किसी अन्य संख्या का भाग न जाए उसे हम कहते हैं अभाज्य। भाज्य माने भाग चला जाए एक और स्वयं वह संख्या छोड़ करके किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए उसे कहते हैं भाग। अगर हम बात करेंगे अगर हम बात करते हैं 4 तो 4 में आप देखिए एक का तो भाग जाएगा वो 4 बार जाएगा 4 का भाग जाएगा 4 में एक बार जाएगा एक दूसरे का बिल्कुल पर्याय होता है एक यहाँ पे होता तो 4 यहाँ पे होता जी नोटिस कर लीजिए एक दूसरे का पर्याय होता लेकिन अगर हम बात करते हैं 5 में 5 में एक का भाग जाएगा 5 टाइम 5 का भाग जाएगा 5 में 1 टाइम जाएगा ये बात जान लीजिए क्लियर है तो लेकिन इसके अलावा क्या किसी और संख्या का भाग जा रहा तो आप कहेंगे सर नहीं जा रहा और जिस संख्या में भाग किसी संख्या का नहीं जाता है तो वह कैसे कहलाती अभाज्य आ माने नहीं भाग माने भाज्य माने भाजित होना भाग चला जाना तो ऐसी संख्या के सम अभाज्य और अभाज्य कहलाती जो आपके बोर्ड पर नोटिस कर लिए सम जिस संख्या में 2, 4, 6, 8, 10, 12 संख्या सम कहलाती है 1, 3, 5, 7, 9 विषम कहलाती है जिस संख्या में 2 से भाजित हो जाती है वो सम कहलाती है 2 से भाजित नहीं होती वो विषम कहलाती है जिस संख्या में जोड़ा बन जाए वो सम कहलाती जिसका जोड़ा नहीं बने वो विषम कहलाती जो संख्या में 1, 3, 5, 7, 9 हो वो विषम कहलाएगी 2, 4, 6, 8 हो अंत में वह आपकी संख्या सम कहलाएगी। भाज्य माने भाग चला जाए भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या या समग्र संख्या के रूप में भी बहुत से लोग जानते हैं इस बिंदु को आप नोटिस करिए कंपोजिट नंबर लिख के चलिए और आप ये नोटिस जरूर करके चले प्रथम सम भाज्य संख्या क्या होगी वह आपकी सम 4 है और प्रथम विषम भाज्य संख्या होगी वह आपकी 9 है प्रथम सम संख्या होगी अभाज्य संख्या वो 2 है और प्रथम विषम अभाज्य संख्या होगी वह आपकी 3 है। भाज्य अभाज्य के बारे में जान लिया अब इनको आपको परिभाषा बना करके नोट करें जो मैंने बोला है उसको वीडियो को रिपीट करके बार बार आपको प्ले करके स्टॉप करके पॉज करके आप दोबारा देख लें आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा परिभाषा आपको निश्चित आ जाएगी। निश्चित है कि हमारे स्टूडेंट जो होंगे वो क्लास बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड से लेकर हायर स्टैंडर्ड तक हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे तो उन सभी के लिए कहना है कि आपको कोई टेंशन करने वाली नहीं अगर रैशनल नंबर माने परमिशन क्या चूँकि आपकी क्लास में ना हो तब भी इसका ज्ञान जरूरत है वास्तविक संख्या क्या कह रही थी इन सब चीज़ का ज्ञान आवश्यक है आई सी टॉपिक साथ ही अगला 8वां नंबर होता है परमेय जो हमारी प्राकृतिक संख्या होगा दैट इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर्स को आगे हम परमेय और अपरमेय के रूप में भी परिभाषित करते हैं आइए हम चर्चा करते हैं क्या कहते हैं
तो माय डियर स्टूडेंट, कोई भी संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाए और क्यू का मान जीरो ना हो, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। आपने जितनी भी संख्या पढ़ी है, चाहे वो संख्या आपकी नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, प्राइम नंबर हो, और नंबर हो, आपकी कंपोजाइट नंबर हो, इवन नंबर हो, जितनी आप इसके पहले पढ़ चुके, वह सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या होती है। क्योंकि किसी भी नंबर आपने कहा सम संख्या 2, 4, 6, आप इन सब के नीचे डाउन में नीचे, क्योंकि एक का भाग मैं पहले बता चुका हूँ, एक का भाग एक का गुणा करने पर किसी संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अनचेंजेबल होता, इसलिए यह संख्या को हम लोग अब कह सकते हैं यह परिमेय संख्या। अगर आपने सम संख्या लिखी दैट इज कॉल्ड द आपकी सम संख्या थी, अगर आपने भाग भाग संख्या कंपोजिट नंबर लिखा, भाग संख्या क्या थी, 4 था, 6 था, 8 था, अगर इसके नीचे आप लोग डिनोमिनेटर, दैट आपको पता है कि अंश और हर कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को न्यूमरेटर एंड नीचे वाले हिस्से को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ऐसी स्थिति में आप डिनोमिनेटर में अगर आप एक लिख देंगे तो कोई किसी भी शून्य के नीचे भी अगर संख्या हमारी एक है, शून्य को हम कह सकते हैं शून्य अपॉन एक, यह भी हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन अगर एक बटे शून्य की बात कहेंगे तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी, जबकि यह परिमेय संख्या होगी। नोटिस कर लीजिए, अगर हम शून्य कहेंगे तो शून्य बटे एक कहेगा और शून्य बटे एक को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। लेकिन अगर एक बटे शून्य हो जाएगा तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। तो हम लोग कभी कंफ्यूज रहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, कोई भी संख्या है वह केवल परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के बारे में जान लीजिए, अपरिमेय संख्या वो संख्या कहलाती है जो आपके पाई या फिर आपके वर्गमूल में लिखी हुई संख्या हो और बाहर ना निकल सके, ऐसी संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। नोटिस कर लीजिए, इनके बारे में चीज और कही जाती है जो सबसे अच्छी पहचान है। एक तो संख्या जो हर बटे अंश में, आप हर का हर में, हर का भाग अंश में देते हैं, नाउ यू आर डिवाइड द डिनोमिनेटर एट द न्यूमिनेटर, देन इट इज गेट द एक डेफिनेट के बाद एक टर्मिनेटेड हो जाती है, टर्मिनेटेड माने भाजित हो जाती है। सपोज दैट अगर किसी संख्या में हमने 10 में भाग दिया, किसका भाग दिया, 2 का भाग दिया, या हमने 4 का भाग दिया, 4 × 8 = 10, 4 × 5 = 24, आपके 2.436 एक निश्चित के बाद टर्मिनेटेड हो जाती, भाज चली जाती है। लेकिन अगर कोई स्थिति होती है 10 में 3 का भाग देते हैं तो ऐसी स्थिति में 3 तरह का, ऐसी संख्या नॉन टर्मिनेटेड और रिपीटेड, नॉन टर्मिनेटेड, भाग तो जा ही नहीं रहा लेकिन वह संख्या आपकी रिपीटेड हो रही, बार बार आपका मान चला आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं आपका, आपकी जो संख्या कहलाती है आपकी सम संख्या, परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या की दो परिभाषा है। नंबर वन, पहली परिभाषा क्या है कि आपकी संख्या पी बटे क्यू के रूप में है, अगर उसको समझना चाहते हैं तो निश्चित अंक के बाद वह संख्या का भाग चला जाएगा और समाप्त हो जाता है, वह संख्या कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। लेकिन अगर भाग देते कोई संख्या बार बार रिपीट कर रही, लास्ट तक चली जा रही है, ऐसी संख्या भी हमारी परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन अगर हम अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो अपरिमेय संख्या का विशिष्ट होता है कि आपका भाग तो नहीं जाएगा लेकिन यह रिपीट करेगी, 1.23451689 यहाँ पे आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग, रिपीट नहीं करती कोई संख्या, बार बार नहीं आ रही, बार बार कहीं का कहीं, कहीं का कहीं, कहीं का कहीं, कुछ का कुछ, ऐसी संख्या आती रहती है। इस संख्या को हम लोग कहते हैं क्या, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जब भी किसी भी संख्या की पहचान करनी हो, अगर हम कोई भी संख्या देते हैं 1.3333, ये आपकी परिमेय संख्या है, 1.4562189 ये आपकी अपरिमेय संख्या है। नोटिस कर लीजिए, अगर कोई दशमलव की बात करते हैं तो जो संख्या बार बार रिपीट नहीं होती है बल्कि वह अनंत चली जाती है तो ऐसी संख्या कहलाती है अपरिमेय। लेकिन अगर कोई अनंत जाने वाली संख्या दशमलव के बाद जो टर्मिनेटेड नहीं हो रही, पूरी तरह भाजित नहीं हो रही, अनंत चली जा रही है लेकिन वह संख्या रिपीट कर रही है, ऐसी संख्या परिमेय, रिपीटिंग संख्या कहलाती है परिमेय। अनरिपीटिंग और अनटर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग वो संख्या कहलाती है हमारी, जिसमें भाजा नहीं जा रहा, भाग नहीं जा रहा हो और रिपीट कर रही हो बार बार, तो अनंत जा रही हो, वह संख्या परिमेय कहलाती है। भाग ना जा रहा हो और बार बार रिपीट ना कर रही हो, वह संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय और अपरिमेय दोनों का जोड़ करके हमारा कहलाती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संलग्न, जितनी भी परिमेय संख्या है परिमेय संख्याओं में सब आ जाती, सम विषम प्राकृतिक होल नंबर इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव सब हमारे इंटीजर्स आ जाते हैं, और इवन ओट सब नंबर जितने भी पहले नंबर होता है वो सब आपकी परिमेय संख्या है। और अपरिमेय क्या थी, पाई पाई के अलावा जो भी आपकी वर्गमूल में लिखी संख्या जो बाहर ना आ सकती, ऐसी समस्त संख्या हमारी कहलाती है अपरिमेय। इन दोनों को जोड़ करके हमारी वास्तविक संख्या होती। तो परिमेय की संख्या का परिभाषा आप नोटिस कर लीजिए, वह संख्या
जो p बटे q के रूप में लिखी जाती है और q का मान जीरो नहीं है किसी संख्या में हर में यानी डिनोमीटर में कुछ भी नहीं लिखा है तो वहाँ आप एक लिख सकते हो, वो सब संख्या परिमेय संख्या होती। दूसरे शब्दों में समझ सकें, जब भी किसी भी संख्या को दशमलव निरूपण कराया जाता है, डेसिमल निरूपण करते हैं, तो ऐसी स्थिति में दशमलव में या तो निश्चित अंक के बाद या तो समाप्त हो जाता, अगर समाप्त नहीं होता तो ऐसी स्थिति में एक ही संख्या बार बार रिपीट करती चली जाती, उस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या अनंत तक जाती, रिपीट करती तो जाएगी लेकिन उसका रिपीटेड नहीं होगी, वो संख्या रिपीट नहीं करेगी, वो कहीं का कहीं कहीं कुछ ना, तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कहीं का कुछ ना आ जाता, तो ऐसी स्थिति में हमारी संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय अपरिमेय को जोड़ करके हमारा बन जाता है क्या, वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और समस्त परिमेय संख्या, समस्त अपरिमेय संख्या को जोड़कर हमारा बनता रियल नंबर्स कहलाते हैं। संख्याओं के खेल में आगे हम चलेंगे, आपके 7 दिनों की वीडियो में 2-3 दिन स्कूल की वीडियो लेंगे, 2 दिन इंग्लिश की वीडियो लेंगे, 1 दिन हम जनरल मैथमेटिक्स की वीडियो लेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आप तैयार रहें, तैयारी से स्टडी करें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब बस करें ताकि पता चल सके कि हमारी प्रतिक्रिया है, जो हमारा एग्जर्वेशन है उसका क्या रिजल्ट मिल रहा, ताकि मैथमेटिक्स का ज्ञान कहते एक के साथ सब सदे और सबसे साधे सब जाएँ। माय डियर स्टूडेंट, मैंने जो अपना पाया, मैं किसी के बारे में ज्ञान नहीं किया, तो मैं अपने जो पाया है, जब तक मुझे मैथमेटिक्स नहीं आया, जब तक मुझे कोई विषय नहीं आया, जिस समय मुझे मैथमेटिक्स आने लगी तो सब विषय ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसे अगर आप चाह भी लें तो एक रात में एग्जाम पेपर के दौरान पे, एक नाइट में तैयार करके दूसरे दिन एग्जामिनेशन नहीं दे करके बेस्ट रिजल्ट नहीं ला सकते। इसके लिए आपको बार बार आपका करत अभ्यास के जड़ में थोड़ा सुझान रस्सी यहाँ पर जाते सिर्फ पकड़ना, तो बार बार आपकी प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मांगती है और प्रैक्टिस से किसी भी चीज़ को परफेक्ट हो जाती है। तो आप हार्ड वर्क करें फॉर द लॉन्गर स्टडी एंड टू पे अटेंशन टुवर्ड योर स्टडी और रिपीटेशन अप टू द 7 and 10 days में निश्चित आना चाहिए। वेन एवर यू आर डूइंग योर वर्क एज अ मैथमेटिक्स देन यू प्रोसीड एंड रिपीट, आगे बढ़ते जाएँ, रिपीट करते जाएँ इस बात का ध्यान, और लाइक शेयर करना मत भूलें ताकि आपने जो ज्ञान प्राप्त हुआ उस ज्ञान को दूसरे लोगों को बांट सके ताकि दूसरे भी समझ सकें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे और आपका दिन मंगलमय, बाय।